ये जो नौ वर्ष का प्रारंभ हो रहा है वो कन्या लग्न में हो रहा है, तो कन्या लग्न में होने के कारण यहाँ पर कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि, ये चांद राशि वालों के लिए धन वाहन और घर के समृद्धि का योग बनता है इस नए वर्ष में। कर्क लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि मंगल योग कारक होगा। मंगल योग कारक होने के साथ साथ जो है उनका लग्नेश जो है चंद्रमा जो है धन भाव में होने की वजह से और शुक्र का संबंध मंगल से होगा, इस वजह से इनको वाहन का, घर का और नए फ्लैट का, हो सकता है सोफा सेट का या कोई भी बैठने वाली चीज़ों का ये घर में आगमन हो सकता है, समागमन हो सकता है। दूसरा है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण यह होगा कि भाग्येश जो है शुक्र भाग्य को देखेगा और बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने की वजह से इनको भी घर और वाहन का योग बहुत अच्छा प्रचुर होगा। सबसे बड़ी बात है कि भाग्य अच्छा होने की वजह से किसी तीर्थ स्थल पर ये जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, ऐसी भी स्थिति जो है कन्या लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद तीसरा है तुला। तुला राशि जो है समृद्धि का द्योतक है, सुंदरता का द्योतक है। इन राशि वालों के लिए शनि योग कारक माना जाता है, तो इसमें अगर कोई फैक्ट्री बैठाना चाहे तो इस योग के कारक व्यक्ति जो है फैक्ट्री का, वाहन का, घोड़ा गाड़ी, नई चीज़ों का या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी वह खरीद सकते हैं, उनके लिए लाभप्रद होगा। अगर कंप्यूटर खरीद ले या कैलकुलेटर खरीदते हैं या मोबाइल खरीदते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ लेते हैं तो इनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा ये तुला लग्न वालों। उसके बाद वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा कर्म क्षेत्र में उनके बहुत वृद्धि करेगा, कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेगा, कर्म को बढ़ाएगा, उनके भाग्य को बढ़ाएगा और घोड़ा और वाहन का योग इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सकता है। इनको किसी के सहयोग से वाहन मिलने की विशेष संभावना है। जय।